सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों का हमारा नमस्कार। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि सत्य है सो है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसको आप वर्णित भी नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कुछ कहने से भी उसे आप जान नहीं सकते। किताबों को पढ़ के भी आप सत्य को जानते हैं। हाँ, इशारा जरूर हो सकता है कि सत्य क्या है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई सी भी बात अपनाने से पहले उसका पहले पूरी तरह से प्रतीत करना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। उसको बगैर जाने अगर आप सिर्फ आंख मूंद के उसमें उतर आए तो वो भी बेकार है, और उसको अंधे जैसे आप गलत सलत कुछ कहते रहे तो भी वो व्यर्थ। आज की हमारी परिस्थिति आप देख रहे हैं कि घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में हर मनुष्य को, हर मानव को किसी न किसी तरह की विवंचना है, तकलीफ है, परेशानियां है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। इन सब परेशानियों के लिए आपको परमात्मा ने इस सृष्टि में जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर तरह की गरीबी, अज्ञान और दुष्टता, इन सब के बीच आज हम बिल्कुल पिसे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, धार्मिक है और सत्यवादी है, वो तो और ही ज्यादा त्राही त्राही हो गए, और भी ज्यादा सताया जाए। ये सबकी यातनाएं देख करके ये सिद्ध होता है कि इतना घोर कलयुग संसार में आया है। भ्रष्टाचार जरूरत से ज्यादा हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, और इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हमारा आज समाज न जाने किस अधोगति को जा रहा। अब कोई कहेगा कि इसमें हम जो पैसे की लालच में पैसों के पीछे भागते हैं, जो हमारे अंदर पैसों ही के संस्कार आ गए हैं, उससे ये खराबी आ रही है, ऐसा सोचना भी गलत है। इसके अलावा बहुत से और कारण हैं जिसके कारण आज हम इतने संतप्त, इस कदर दुखी और इस कदर परेशान। समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सब हमें क्यों देखना पड़ा। ये नियति का एक समय, नियति ने एक समय ये आपके लिए बनाया, इसलिए बनाया कि इस विक्षिप्त दशा में, इस भ्रांतिमय दशा में आप सोचें कि इससे निकलने का कोई मार्ग है या नहीं। जब आप इस बात को सोचने लगते हैं और खोजने लगते हैं कि ये मार्ग कौन सा है, तब आप देखते हैं कि आप एक साधक हो जाते हैं जो सत्य को खोज रहे। ये साधक की जो एक लगन है, वो लगन ही आज बहुत आवश्यक है। उसको अगर शुद्ध इच्छा हो कि हाँ मैं इसको ढूंढ के ही छोड़ूंगा, तो वो नम्रता पूर्वक इस चीज को खोजता है और बहुत गलत जगह फंस जाता है।
आजकल आप जानते हैं कि हर तरह के लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे और अनेक तरह के चीजों के नाम पर पैसा कमा रहे, और जिन लोगों के पास पैसा है वो इसमें लूट रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी इसमें बेवकूफ बन रहे हैं। उसका दोष हमें देना चाहिए इस कलयुग को, क्योंकि जब आदमी घबरा जाता है तो किसी न किसी गलत रास्ते पे जा सकता है, और इसका सही रास्ता क्या है उसे देख लेना चाहिए। अब हम भी आपसे जो कुछ बातें करने वाले हैं उसमें आपको अंधे दृष्टि से विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी बेकार चीज है। आपको चाहिए कि आप इसका अनुभव लें, और इस अनुभव को अगर आपने सिद्ध किया और जान लिया तब कर आप इसे न माने तो आप भी एक बेईमानी के शिकार। अपने साथ तो कम से कम हमें ईमानदारी करनी चाहिए, और आजकल जो बहुत दिशा भूल करने वाले लोग निकले हुए हैं वो हमेशा लोगों को गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करेंगे, और ये दिशा भूल करके ही वो कुछ ना कुछ अपने को सबका प्रतिनिधि समझते हैं, और उन्होंने एक मंच अपना तैयार कर लिया। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आज तक किसी की भलाई की नहीं, सिवाय इसके इसका विरोध कर, उसका विरोध कर, इसको करो, उससे कोई फायदा होने का। फायदा तो तब होगा किसका साक्षात्कार हो, आप इसे प्राप्त करें, इस सत्य को आप अपने उंगलियों पर जाने, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने, तभी ये बोध होगा जिससे बुद्ध बने थे, और तभी इसे विद जिससे वेद बने। सिर्फ जबानी जमा खर्च और बेकार की बातों से ये कार्य नहीं होना। महाराष्ट्र में अनेक संत साधु हो, अनेक दृष्टा हो, यहां तक कि रविंद्र बाबू जैसे महान कवि ने महाराष्ट्र की महती गाई, ऐसी भूमि में कोई विशेषता है। आपको कोई कहेगा कि आपका ये इसमें क्यों विश्वास है महाराष्ट्र विनायक, या आप क्यों कहती हैं यहाँ पे तीन देवियों का स्थान है, मैं तो कहती चार देवियों का स्थान। यह सत्य है कि झूठ है ये हम कैसे माने, पहले आप अपने बारे में तो जान लो, पहले आप अपने को तो समझ लो कि आप क्या हैं। जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होता है आप नहीं जान सकते हैं कि ये देवी देवताएं क्या है, श्री गणेश क्या है। अंधे जैसी सब चीजें करने से भी कोई लाभ नहीं था। अब बहुत से लोग मेरे पास आके कहते हैं कि माँ हमने इतने अनुष्ठान किए, हमने ये किया, हमने वो किया, और हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब आपका कुछ योग ही नहीं घटित हुआ, जब आपका कनेक्शन ही नहीं है तो आप कर क्या रहे। इस तरह आप टेलीफोन करें तो कम से कम कनेक्शन तो होने चाहिए। ये सारे अनुष्ठान कर करके आपने जो एक दिमागी बातचीत अपने दिमाग में ले ली कि मैंने बहुत कर्म अच्छे करे हैं और अभी मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन उसका मार्ग ये कर्म कांड करना नहीं, उसका मार्ग हमारे अंदर परमात्मा ने बनाया हुआ। हमारे अंदर ऐसे ऐसे चक्र हैं, और इन चक्रों के अंदर से जो शक्ति बहती है उसी से हम लोग अपना शारीरिक मानसिक और बौद्धिक बल पाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में ये शक्ति क्षीण हो जाती है। और जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो दो तीन तरह की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। पहली तो बात ये है कि हम शारीरिक पीड़ा से त्रसित हो जाते हैं, दूसरी बात ये है कि हम मानसिक पीड़ा से भी त्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा बौद्धिक जो कुछ भी कार्य है वो भी इससे बहुत ज्यादा एक ऐसे गर्त में पड़ सकता है कि
कभी तो हम एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या। इस कलियुग की सबसे ज्यादा अगर आप किमया देखना चाहें तो अमेरिका में दिखाई दे। अमेरिका में कहते हैं कि थोड़े दिनों में 65% लोग स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे, माने कुछ टाइम के लिए वो पागल हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए ठीक रहेंगे। ऐसे अपने देश में आधे पागल मैंने देखे नहीं अभी तक, पर वहां पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि थोड़े दिन के लिए बिल्कुल अच्छे हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, फिर एकदम से वो उनकी हालत खराब रहती है और उसको कोई तरीका नहीं जो ठीक करे। वहां पर अनेक चीजें ऐसी हो गई हैं कि शारीरिक तकलीफें एक अजीब सा स्वरूप लिए हुए, छोटे बच्चे तक वहां बहुत परेशान, ऐसी गंदी गंदी बीमारियां उनको हो गई कि उस बीमारी से उनका छुटकारा नहीं। इसके अलावा वहां पर बहुत से लोगों को ये जो झूठे लोग थे उन्होंने लूट लिया और लूट कर पैसे बना करके बैठे हो। इस प्रकार नानाविध तरीके से त्रस्त ये लोग हैं। और हम लोग तो सोचते हैं कि अमेरिका कोई बड़ी भारी जगह है जहां पर के पता नहीं लोग क्या आनंद के सागर में बैठे, बड़े दुखी लोग, क्योंकि जो लोग बाहर जाते ही नहीं, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको ऐसी ऐसी गलत फहमियां होती हैं। इस गलत फहमी से छुट्टी पाने का एक ही मार्ग है कि आप सत्य को जाने, यथार्थ को जाने, रियलिटी को जाने। अब उसका जानने का मार्ग क्या परमात्मा ने हमारे अंदर बनाया नहीं होगा, ऐसा सोच लेना भी एक बड़ी गलती है। परमात्मा ने हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति बनाई और वो कुंडलिनी की शक्ति जब जागृत होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए चारों ओर छाई हुई इस परम चैतन्य की सृष्टि में एकाकारिता प्राप्त करती है। यह सत्य बात है, लेकिन मैं कह रही हूं इसलिए नहीं, आपको इसका अनुभव आना चाहिए और यह बहुत आवश्यक जरूरी चीज है कि आप इसका अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि उसी से आपकी जो तकलीफें हैं दूर हो जाएगी, आपका अज्ञान दूर हो जाएगा और आप सबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति प्रवाहित है। इसी शक्ति के द्वारा ये आज फूल यहाँ लगे हुए हैं, इसी शक्ति के द्वारा हमारा हृदय भी चल गया। ये अगर हमारे अंदर शक्ति है और इसकी अगर जागृति हो सकती है तो उसे क्यों ना किया जाए, उसे क्यों ना प्राप्त किया जाए। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े आप जानते हैं ज्ञानेश्वर हो गए। ज्ञानेश्वर जी ने 6 अध्याय में बताया हुआ है कि कुंडलिनी जो है वही ये कार्य करती है। वो जितना काव्य में बता सकते थे उन्होंने बता दिया, उस पर भी पता नहीं हो सकता है कि विस्तारपूर्वक बताया हो, पर क्योंकि उस वक्त के धर्म मार्तंड इस मामले में जानते नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये जो 6 अध्याय है ये निषिद्ध है, इसको मत जानो। आजकल दूसरे तरह के धर्म मार्तंड निकले हुए, जो आधे अधूरे डॉक्टर हैं, आधे अधूरे अपने को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, आधे अधूरे बुद्धिजीवी हैं, ये लोग कहना शुरू कर दिए ये कोई चीज नहीं, ये कहने से क्या फायदा हो, ये बोलने से क्या फायदा हो, इससे किसको लाभ होने वाला है। बेकार के एक चीज बना करके लोगों को दिशा भूल करना और उनको जो पाना है वो नहीं पाने देना, ये हमारे महाराष्ट्र में बड़ा भारी इसको करे शाप है, कर्ज। ऐसे जो आधे अधूरे बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने तो अपने महाराष्ट्र का सत्यानाश करके रखा है हर जगह। जब मैं कोई अखबार पढ़ती तो मुझे आश्चर्य लगता है कि किसी भी झूठी बात को सर पे उठा करके ये लोग क्यों इतना दौड़ते और इसे क्यों मानते, इसे किसका लाभ होगा, कौन से समाज का लाभ होने वाला, इससे कोई सुख आनंद कुछ नहीं मिला। अखबारों में पढ़ पढ़ के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये अखबार है इस राजनीति के साथ है, ये अखबार है उस राजनीति के साथ है। अरे इधर राजनीति में आजकल के कोई सत्यता है, कोई यथार्थता है, उसमें कोई अच्छाई है, इनको अगर ठीक करना है
तो पहले सब लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। पर इसको प्राप्त नहीं होगा, इसको प्राप्त नहीं होगा वो कभी भी कोई भी सही काम नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता, वो अपनी लालच में, वो अपने ही स्वार्थ में डूबा रहेगा और कितने ही लोग उससे पीड़ित हो जाएं, सो उसे उसमें कोई हर्ज नहीं। और ये लालच सिर्फ पैसा की नहीं, सत्ता की है, पर इन लोगों को अगर आत्म साक्षात्कार हो जाए तो ये लोग भी समझ लेंगे कि हमने आज तक किस मृगजल के पीछे सारी अपनी चेष्टाएं की, क्यों हम ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे थे और ऐसी सत्ता के पीछे भाग रहे थे जिससे न तो हमें सुख मिला न दूसरों को मिला। जैसे लालच एक बड़ी भरी चीज है, ऐसी अजीब सी बीमारी है कि उनके पास सब होगा, मोटर होंगी, गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा, पर तो भी दीवार भी उनके जो है उसमें भी नोट भरे रहने चाहिए। न तो वो दीवारों को अपने साथ ले जा सकते हैं, न मोटरों को ले जा सकते, पर कहने से किसी से ये लोभ ये मोह छूटने नहीं वाला। एक ही तरीका है कि उनके सामने प्रकाश आत्मा का आ जाए। जिस दिन आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो आदमी एकदम देखता है, बाप रे मैं क्या कर रहा था, मैं कहां जा रहा था, मैं कौन से नर्क के गर्त में ये दीवारों में पैसे भर रहा था, ये मैं क्या कर रहा था। ये जब उसको एकदम ज्ञात होता है तो वो सोचने लग जाता है कि मैंने कौन सी व्यवस्था कर दी, कल मैं मर जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। मुझे लोग आज बहुत मानते हैं लेकिन कल मरने पर मेरी क्या दुर्दशा हो, और मरने के बाद भी लोग सोचेंगे चलो छूटे इस दुष्ट से एक बार किसी तरह से नजात पाए, से किस तरह से छुट्टी हुई। इस तरह के जीवन से जीने से अच्छा यह है कि आदमी अपने को अपने आत्म गौरव में और स्वाभिमान में जी, अपने स्वाभिमान में जीना इन लोगों को नहीं आता। ये झूठी झूठी बातें फैला करके और झूठे झूठे कार्य करके अपने को बड़े महान समझने लग जाते हैं। ऐसी भारी झूठी महानता ऐसी गिरती है कि जो आज बड़े सीना तान के चल रहे हैं तो कल सर के बल खड़े हो जाते हैं। आज अपने को जिस चीज की बहुत जरूरत है वो है देश प्रेम, निस्वार्थ देश प्रेम, देशभक्त। हमने तो भगवान की कृपा से, हमारी उम्र यह है कि हमने तो एक से एक देशभक्त देखे जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो तन मन धन सब कुछ देश पे अर्पित कर दिया। लेकिन आज ऐसे लोग है कहां, ऐसे लोग नहीं है, सब ज्यादातर स्वार्थी लोग हैं और उनके पीछे भी सब स्वार्थी लग रहे हैं। पर स्वार्थ शब्द का अर्थ समझना यह है कि जिसने स्व का अर्थ समझा वही स्वार्थी हो सकता है, और ये स्वार्थ हमें प्राप्त हो सकता है अगर हमने अपनी कुंडलिनी को जागृत करके और अपने आत्मा का दर्शन किया। आत्मा का प्रकाश जब हमारे अंदर आता तो सबसे पहले मनुष्य के मुख पे ही एक दीप दिया जाता है, उसके चरित्र में एक विशेषता आ जाती है, एक आदर्शवादी हो जाता है। उसमें ऐसी छोटी छोटी ओछी बातें भाग जाती है और एक दैदीप्यमान चरित्र उसके अंदर जीवित होता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है, कोई जंगलों में घुसने की जरूरत नहीं, उसी साधु संन्यासियों के पास जा करके तप जप करने की जरूरत नहीं, अपना घर द्वार अपने बीवी बच्चे छोड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं। ये सब आप ही के अंदर चीज है जिसकी जागृति होनी चाहिए, जिसकी जागृति होते ही आप इसे प्राप्त होते। लेकिन आप क्यों ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो आपसे कहते हैं जागृति मत लो। ऐसे लोग तो समाज कंटक हैं, जो कि कोई धंधा और बचा नहीं तो इस तरह की बातें करते हैं कि आप अपनी जागृति मत लो,
आप अपनी संपत्ति मत लो, आप अपना गौरव प्राप्त न करें। मनुष्य इतना गौरवशाली, उसको परमात्मा ने मनुष्य बनाया, वो इसलिए नहीं कि ऐसे गंदे लोगों की, ऐसे महामूर्ख लोगों की वो गुलामी करे। उसने बनाया है कि वो अपने गौरव में खड़ा हो जाए, अपनी शान में खड़ा होकर के देखे कि मैं क्या चीज हूं, और उसकी पूर्ण व्यवस्था हर एक मनुष्य के अंदर है। अगर मैं कह रही हूं तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, अगर कुछ है तो देना ही है। और देना यह ज्ञान है कि आप कितने महान हैं, आपके अंदर यह शक्ति कार्यान्वित हो और इसे आप प्राप्त करें। और प्राप्त करने के बाद जैसे कोई बीज अपने आप ही इस मां की कृपा से जागृत हो जाता है, तो उसके अंकुरित एक छोटे से अंकुर से ही आगे बड़ा वृक्ष हो सकता है। पुण्य बटोरने के लिए भी आपको ज्ञान और आत्मा का प्रकाश चाहिए, उसके बगैर आप यही नहीं जानेंगे कि पुण्य क्या है और पुण्य क्या। और उसके लिए सारी व्यवस्था मैंने आपसे की है, आपके अंदर परमात्मा ने की हुई है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं था। सिर्फ कुंडलिनी की जागृति के बाद आपको उसको सिंचित रखना चाहिए, उस वृक्ष को बढ़ाना चाहिए, और ऐसे वृक्ष होने चाहिए कि जो और भी वृक्षों को तैयार करें और भी लोगों को अपने छत्र छाया में रखें। अब आप देखिए कि दोनों हाथ मेरी और इस तरह से करें, कुछ और करने का नहीं, आप भारतीय हैं और इस पवित्र भूमि पर बैठे यही काफी, और कुछ चीज की जरूरत है ही नहीं। जो आपने यहाँ जन्म लिया, जो आपने आया वास्तव क्या आके रहे, ये यही काफी, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दोनों हाथ मेरे और अब आप लेफ्ट हैंड में रख और सर को झुका के, और देखिए कि आपके तालु भाग से जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा था, एक हाथ ऊपर ले, अदांत्री जैसे कहते हैं ऊपर, इसके ऊपर ऐसे नहीं से दूर, राइट हैंड को रखिए और सर झुका के देखिए कि इसके अंदर से कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आ रही है। राइट हैंड मेरे और करिए और सर झुका के फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि तालू से कुछ ठंडी या गर्म हवा है। इस वक्त आपको अपने को क्षमा करना है और दूसरों को भी क्षमा करना है, ये करने से ठंडी हवा आने लग जाएगी। अपने को भी क्षमा करिए और दूसरों को भी क्षमा करिए, क्षमा करिए न करिए आप करते कुछ नहीं, लेकिन अपने को छलते हैं, इसलिए आप कृपया सबको एक साथ क्षमा करिए। अब लेफ्ट हैंड फिर से मेरे और करें और सर झुका करके और देखिए कि आपके सर ठंडी ठंडी हवा या गर्म हवा आ रही है क्या। आप कर अपने को पूरी तरह क्षमा कर दें और सबको एक साथ क्षमा कर दें, उनके बारे में सोचिए भी नहीं, तो देखिए एकदम हवा ठंडी हो जाएगी। यही चैतन्य है, यही चैतन्य की लहरियां है। अब दोनों हाथ आकाश के और ऊपर करें और सर पीछे करें और पूछे कि क्या यही परम चैतन्य है, पूछे तीन बार, मां यही परम चैतन्य है, पूछे।
सारे हाथ नीचे लाइए, दोनों हाथ मेरे और करके मेरे और देखिए, सोचिए कि देख रहे हैं और निर्विचार हो जाए। अब इन इन लोगों के दोनों हाथ में या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म आ रही हो, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करें। अब आपके विचार हो गए, बुद्धि से परे गए। अब अंदर से एकदम जैसे शांति सी और आनंद आएगा, लेकिन इसमें जमना पड़ता है। जैसे पेड़ को जमाते हैं, इसी प्रकार आज आपको हमने अंकुरित कर दिया, पर इसका मतलब नहीं कि आज से आप एकदम बहुत ऊंचे हो गए। जमना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आत्म साक्षात्कार का भी मान रखना पड़े, इसकी भी मान्यता चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स है, बहुत अच्छे सहयोग, बहुत पहुंचे हुए सहयोग, और वो आपकी मदद कर, आपको कुछ उसमें पैसा नहीं देना, कुछ नहीं। आप थोड़ा टाइम दीजिए और वहां जाइए और उसको प्राप्त करें। इससे आप देखेंगे आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपका समाज ठीक हो जाएगा, उनकी बुरी आदतें छूट जाएंगी, तंदुरुस्तियां ठीक हो जाएंगी, हजार प्रकार के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, क्योंकि आप इसके हकदार।